हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फोर्स सेल्स सिमुलेटर। हाँ, मुझे मालूम है मैं ये गेम काफी दिनों बाद आया हूँ दोबारा खेलने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी डीलरशिप को भूल गया था। मुझे आज भी याद है भाई, टेक्नो मोटर्स को कैसे हमने छोटा सा चालू करा था। एकदम छोटा सा ऑफिस था, एक दो सस्ती पुरानी घटिया सी गाड़ी खरीद के लाए थे, उसको रिपेयर करके बेच के थोड़ा 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 पैसा कमा के हमने बहुत सारा पैसा कमाया और फिर हमने खरीद ली सारी महंगी महंगी कार्स। बट आज के सारी वीडियो में मैं अपने शोरूम को अपग्रेड करने वाला हूँ। मतलब ये जो छोटा सा ऑफिस है ना, इसको हम लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाएंगे। हाँ, मतलब अब इतना सारा पैसा आ चुका है और शोरूम में फरारी आ गई है, पोर्शे आ गई है, मस्टैंग, सुपरा सब आ चुके हैं, तो बड़ा ऑफिस होना चाहिए ना। लेट्स गो, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं गेम में। बट एक चीज, मैं थोड़ा बहुत बिजी इसलिए था क्योंकि तुम्हारे भाई का नया गाना आया है लाइफ। मैंने कर डाली चेंज, तो उसी को रिकॉर्ड करने में, शूट करने में मैं लगा पड़ा था। बट जो भी है, अगर आपने सुन लिया है तो नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना, और नहीं सुना है तो बताया ना, तुम्हें सुन लो, गाड़ी में भी सुनना, पिटाई हो जाएगी बेटे, पिटाई। नहीं सुना गाना तो। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं पिछले दो दिन से कोई कमाई धमाई नहीं कर रहा हूँ, बस पैसा खर्चने में लगा हुआ हूँ, शोरूम को बनाने में लगा हुआ हूँ। बट आज से हम लोग काम पे लगने वाले हैं, क्योंकि शोरूम बिल्ड करके कोई फायदा है नहीं ना, अपने पास जगह है ही नहीं। जब अच्छा खासा स्पेस होगा तभी करेंगे यार इसको अच्छे से बिल्ड। फिलहाल एक दो चीजें ठीक करनी है मुझे, मैंने अभी नोटिस करी कल रात में अंधेरा था। तो पहली तो ये है कि जो कूड़े का डब्बा है इसको बाहर करो, ये अंदर क्या कर रहा है, इसको यहाँ इधर रख। अच्छा, मुझे इसे अपनी ही जमीन पे रखना पड़ेगा, इसको यहाँ रख देता हूँ यार शोरूम के थोड़ा साइड में। और एक दूसरी चीज बस वो लगा देता हूँ, विंडो लगाओ भाई, इधर खुला हो रखा है इधर से। चलो ठीक है, अभी एक एक करके ना मैं गाड़ी शोरूम के अंदर लाता हूँ और इसे बेचने पे लगाते हैं। सुपरा बाय बाय, मैं तुझे नहीं रखने वाला, और आज वैसे भी मैं फरारी लेकर जाने वाला हूँ ड्रैग रेस के लिए। यार ये मैंने टेस्ट नहीं करा, कल मैंने ये खरीदा था, इस पे ना गाड़ी शायद से खड़ी करूंगा तो गाड़ी गोल गोल घूमेगी, घूमनी चाहिए मे बी। यस, घूम रही है, ये देखो भाई सही है यार ये एकदम शोकेस करने के लिए कोई सबसे महंगी गाड़ी को यहाँ ला खड़े कर दो। बाय द वे, मुझे वेब पेज पे जाके गाड़ी को बेचने लगाना भाई, अपने पास बहुत सारी कार्स हो चुकी हैं। सुपरा जो कि मैं लेकर आया था $48,000 की, और मैंने इस पे 1500 ऊपर से लगाए, तो अभी मैं इसको बेचता हूँ भाई। फोटो वोटो तो नहीं खींची अभी मैंने ज्यादा, पर फिर भी इस गाड़ी को $68,000 का, नहीं नहीं 68 का, यहाँ $80,000 का डालते हैं, तब आके कोई कस्टमर 68 में ले जाएगा। पुट इट ऑन सेल, एक गाड़ी मैंने यहाँ पर बिकने के लिए लगा दी है, फोर्स सेल अपनी सुपरा जा रही है, बाय बाय। बाकी अपने पास एक ये बीमर है, इसको भी ले जाके लगाते हैं। ये तो भाई बहुत गंदी हो रखी है, इसको मैंने बिल्कुल धोया नहीं था, बाकी गाड़ियां शायद से मैंने वॉश कर दी थी पर ये नहीं करी थी। तेरे को तो भाई मैं छत पे लेके जाऊंगा, देखते हैं छत पे कस्टमर गाड़ी खरीदने आते हैं या फिर नहीं। मैंने सीढ़ी वीढ़ी सब लगा रखी है, टेस्ट करना है यार मुझे अपना शोरूम सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है या फिर नहीं। तो लिफ्ट के थ्रू मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे। मैं टैबलेट से भी तो कर सकता हूँ ना, ये देखो, यस मैं टैबलेट से भी गाड़ियां कर सकता हूँ, सेल पे लगा सकता हूँ मतलब। तो ये अपनी पास BMW की जो कि मैं लेकर आया था $23,000 का, इसको डालते $50,000 में, शायद से बिक जाएगी गाड़ी। वैसे डर्टी हो रखी है अभी, हाँ 50% डर्टी है और फ्यूल तो कमी है, बट हाँ क्लीन करवा दूंगा उसको मैं तो करवा क्या दूंगा, मुझे ही जाके करना है अभी खुद। यहाँ पर है अपनी एक और सुपरा, और इधर है अपनी लैम्बोर्गिनी, और पीछे है अपनी पोर्शे। पोर्शे तो भाई बेचनी है मेरे को, तू भाई पहुंच वहां पे। यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है मेरा, योर कार विल बी टोड टू द सेकंड पार्किंग बे, बट जा ही नहीं रही है। खरीदना पड़ेगा क्या मुझे दोबारा से अपग्रेड्स में? ओ, मुझे अपना ऑफिस एक्सपेंड करना पड़ेगा तब जाके मैं ये सब कर सकता हूँ भाई, ये गलत सीन हुआ है। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं क्या करता था, टो ट्रक बुला के ऐसे गाड़ी उधर भिजवा देता था, मुझे एक एक गाड़ी ले जाके पार्क नहीं करनी पड़ती थी, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, एक गाड़ी मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। यार बहुत ही छोटा ऑफिस है यार, मजा नहीं आ रहा सच में। तब तीन चार गाड़ी लाके खड़ी कर दी ना, सांस लेने की जगह नहीं बचेगी, और एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, दो गाड़ियां लगा दी है मैंने बिकने के लिए। कोई बात नहीं, तीसरी गाड़ी भी लेकर चलते हैं भाई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये वाली सुपरा का पिकअप वो वाली सुपरा से बहुत ज्यादा तगड़ा है, पता नहीं क्यों ऐसा। पर ठीक है, इसको भी बेचने के लिए लगाते हैं। गाड़ियां वॉश करनी है पहले, तो पूरी क्लीन कर दूंगा भाई। यार देखो, आज मेरा चैलेंज था ऑफिस को पूरा अपग्रेड करने का, पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत मैं अपग्रेड कर पाया हूँ। बट मेरा अभी मेन चैलेंज है, मैं अपने ऑफिस को मैक्स अपग्रेड कर दूं, मींस ये जितना भी एरिया मैं खरीद सकता हूँ, जितना ऑफिस बड़ा कर सकता हूँ, उसके लिए पूरी लैंड खरीद डालूं, जिसके लिए मुझे ज्यादा नहीं बस $1 million चाहिए, जो कि मेरे पास है, पर अभी वो गाड़ियों के रूप में है, मुझे सारी गाड़ियां बेच के कैश चाहिए हुआ। छत पे एक BMW भी थी, वो भी वॉश करके आता हूँ, बहुत डर्टी हो रखी है, और अभी इन सब गाड़ियों को बेचने के लिए लगा देते हैं। अरे भाई मैं तो नीचे गिर गया, और ये देख रहे हो भाई सस्ते ऑफिस के नुकसान। अच्छा वेट, इसीलिए नहीं आ रहे कस्टमर, ये ओपन नहीं था। पहले क्या होता था, दरवाजा ओपन कर दिया मींस ऑफिस ओपन हो गया, और ये देखो भाई ओपन होते कस्टमर आना शुरू। आ जाओ भाई, ये लो लो ना, क्या हो, आराम से गाड़ी देखो, मैं आता हूँ गाड़ी धोके। वो भी कह रहे होंगे यार कैसा ओनर है, खुद ही लगा पड़ा है गाड़ी धोने में, कितना मेहनती है। चलो भाई मस्त एकदम मैंने चमका। अरे वाह, ये तो ऊपर आया है गाड़ी देखने, छत क्या खरीद ली तुम तो भाई, इंटरेस्टेड हो गए मतलब, नीचे इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी है ये छत पे। अरे भाई नीचे, हेलो नीचे सुपरा पोर्शे खड़ी है, ये लोग छत पे आ रहे हैं भाई, ये BMW देखने। ओ एक बंदा नीचे चला गया शायद। अरे
तीन लोग आए थे, दो ही हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट हाँ मुझे लग रहा है तीन लोग आए थे। अच्छा तीनों तो हैं, अच्छा दो जुड़वाए एक के अंदर एक होके खड़े हो रखे हैं। हाँ जी भाई साहब, कितने खरीद रहे हो गाड़ी? $50,000 की मैंने डाली, इतने में ले जाओ यार, मेरा भी फायदा कराओ, इतना मेहनत करा मैंने। अरे भाई 29 पागल है क्या? $29,000 बिल्कुल सेंस ही नहीं है। 240, अबे तू उसका भाई है क्या? तू भी 29? रुक जाओ, ये बंदा मेरे को, तू मेरे को सही बंदा लग रहा है। 26, तू बेटा भाग ऐसे, तेरे को बेचनी नहीं, तू चले तेरी ऐसी की तैसी, ना कराइयो अगली बारी, ये ले ना क्या। चलो छोड़ो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज पैसा बहुत कमाना है। 29 ये बोल रहा है, एक काम करता हूँ 34 का ऑफर देके इससे गाड़ी खरीद ले, बेच देता हूँ इसको। कांग्रेचुलेशंस, नाइस, गाड़ी बिक गई। लिफ्ट को नीचे भेज देते हैं, कोई और दूसरी गाड़ी ऊपर लानी होगी तो अपना आते रहेगी। वैसे लिफ्ट से मैं भी तो नीचे आ सकता हूँ। वैसे लिफ्ट से याद आया, मुझे अपनी पोर्शे भी बेचनी है, तो इसे भी लगाया नहीं है मैंने बेचने पे। पोर्शे 930 और इसे लगा था बेचने पे। मैं इसे लाया था 1,81,000, मतलब 2,00,000 का लाया था समझ लो, इसे 4,00,000 डालते हैं भाई, देखते हैं अगर ये बिक गई तो बहुत सही कमाई होगी भाई। अब बची है लैम्बोर्गिनी एंड फरारी। फरारी कार मार्केट के पास खड़ी हुई है, बट मैं उसे लेने जाऊंगा तो वो टाइम वेस्ट होगा, और लैम्बोर्गिनी मुझे बेचनी नहीं यार अभी। वैसे 4 बजे ना कार का ऑक्शन होने वाला है, मतलब बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आएंगे बिकने के लिए। लैम्बोर्गिनी बेच डालूंगा यार, बच गई भाई। ओ सॉरी 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 सॉरी, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। मैंने अपनी एक बार में दो गाड़ियों का नुकसान करा है, पर कोई नहीं, अभी टूटी गाड़ी बेचू क्या या फिर से दोबारा? नहीं यार, टूटी गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए, डीलरशिप का नाम खराब होगा। लैम्बोर्गिनी तू पनौती है मेरे, दोबारा जा रिपेयर होने। हाँ जी सर, आप आयो गाड़ी लेने, पोर्शा 4,00,000 की खरीदोगे, अफोर्ड कर सकते हो, 3,00,000 की भी ले जाओ चलेगा। अरे 1,80,000 इतने की तो मैं, तू निकल दुकान से ही जा मेरी, जितने की मैं लाया उतने की खरीद रहा है, उससे भी कम। 1,81,000 की तो मैंने ली है। हाँ जी आप 2,31,000, हाँ देखो 3,00,000 लास्ट ऑफर है, वो और मेरे पास इवन 30,000 लिख दिया, 3,00,000 लास्ट ऑफर खरीद। अच्छा ना ना, तो जेब में पैसा नहीं है तो ना ना भागो यहाँ से। हाँ जी मैम, आप सुपरा खरीदने आए हो? सुपरा तो यार क्या ही बिकेगी, 48 की लाया था, 74 दे रही है भाई। इससे मैं काम करता हूँ, 76.999, ठीक है अभी देखो भाई स्कैम, 556 होएगा, हो गया भाई बिक गई भाई गाड़ी, बस पोर्शा के और कस्टमर्स आए भाई, लेट्स गो। हाँ जी मैम, भाई 3,00,000 की तो ले जाओ यार गाड़ी, इज्जत रख लो उस गाड़ी की भी। 2,27,000, ठीक है नॉट अ बैड डील। वो दूसरे वाले भैया क्या कह रहे हैं? हाँ जी भाई, अरे तू लग रहा है भाई मेरे को बहुत ज्यादा ही अमीर है, तो बहुत ज्यादा ही गरीब। अरे भाई 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 भाग जाए ऐसे, तू इधर आ, बेच देता हूँ यार पोर्शा भी, बेचते हैं फटाफट से। कार ऑक्शन में चलते हैं, वहाँ पे कुछ बढ़िया सी गाड़ी ढूंढ के आएंगे। 2,27,000 ये बोल रही है, 2,44,000 की बेचते हैं इसे, मतलब यार ज्यादा कमाई नहीं होगी, 60,000। ओ वाओ बिक गई, हो गई $60,000 की कमाई। एक स्किल पॉइंट अनलॉक हुआ है, मैं एक स्किल पॉइंट से क्या कर सकता हूँ, कार वॉश का एम्प्लॉय ले सकता हूँ अगर 2 स्किल पॉइंट होंगे तो, या फिर मैं अपनी कार वॉशिंग की स्पीड बढ़ा सकता हूँ खुद की। एम्प्लॉय लूंगा ज्यादा बेटर है यार, क्लीन होती रहेगी गाड़ियाँ, तो ठीक है अभी मैंने एम्प्लॉय लेने के लिए बोल दिया है। लैम्बोर्गिनी जाते हैं रिपेयर लगवाते हैं, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, सामने कार ऑक्शन चल रहा है, शायद से खत्म भी होने वाला होगा यार, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी गाड़ियां आई नहीं है आज ज्यादा। एक सेकंड, देखो एक मस्टैंग आई है और एक बीएमडब्ल्यू आई है, एक और बीएमडब्ल्यू, छी मेरे को नहीं लेनी गाड़ी भाई, एक सेकंड क्या पता अगली निसान जीटीआर निकल जाए, क्योंकि मेरी खराब किस्मत है थोड़ी। बट हाँ अभी मैं नहीं जाने वाला सब लेने के लिए, मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को लेता हूँ, अपग्रेड करवाता हूँ, ड्रैग रेस करने चलते हैं ना यार, मैं ड्रैग रेस कर, छी मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे पास सुपर कार्स है और मैं छोटे छोटे तरीकों से पैसा कमा रहा हूँ, ड्रैग रेस क्यों नहीं कर रहा मैं? तो भाई तूने याद ही नहीं दिलाया कि मैं ड्रैग रेसर हूँ। अब तू एक काम कर, इसको लगा रिपेयर पे, मैं जा रहा हूँ ड्रैग रेस करने, वो भी फरारी से अपनी। भाई अभी देखना 7:30 बज गए हैं, मेरे हिसाब से मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा, मुझे सोने चलना चाहिए, क्योंकि 8 बजे इस गेम में अंधेरा हो जाता है और गेम खत्म हो जाती है मतलब सब बंद हो जाता है यार। लेट्स गो भाई, कार मार्केट प्लेस आ गए हैं, ये रही अपनी फरारी, गंदी हो रही है बेचारी यहाँ पे खड़े खड़े। ठीक है भाई अपने पास 20 सेकंड है, पहुंच गए तो कर लेंगे कार रेस, मतलब ड्रैग रेस, वरना घर जाके सो जाएंगे, कल सुबह ड्रैग रेस करेंगे। मेरे को $1,000,000 कमाने थे, $5,64,000 मैं कमा चुका हूँ, और अभी पेंडिंग तो पता नहीं, वैसे रात हो ही गई समझ लो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की होगी रात भाई मेरे को सब याद हो गया इस गेम में क्या सीन है। और वेट, रात में ड्रैग रेस चलती है क्या? लोग तो खड़े हैं भाई, एक सेकंड, शायद से मैं एक रेस कर सकता हूँ, जो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा उसके साथ करूंगा। ये कितने की रेस है? $1,800, इतने का पेट्रोल उड़ जाएगा मेरी गाड़ी का, तू बता भाई। $196 है, लो मुझे गलत दिख रहा है या क्या है ये? भाई एक सेकंड, सुपरा वाले भैया आप लगा लो यार, $1,000, ये क्या है? पहले याद है 2-2, 2.5 लाख डॉलर्स की भी रेस हुआ करती थी किसी जन्म में, सबसे महंगी रेस पोर्शे के साथ ही हो रही है भाई, लगा लेते हैं। शायद से हम जैसे जैसे रेस करते जाएंगे वैसे वैसे अमाउंट बढ़ेगा, शुरुआत में भी ऐसे ही हुआ था, पहले सस्ती रेस होती थी, फिर जैसे जैसे रेस जीतते जाते हैं रेस अमाउंट बढ़ते जाता है। और ये देखो वाह, दिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, गाड़ियां फुल रेडी है, सुपरा के साथ, ओ पोर्शा के साथ अपना रेस है, भगा दूंगा लपेट देंगे, टेंशन वाला सीन ही नहीं है कोई, एक ही रेस करते हैं भाई आज। स्टार्ट इंजन, और थोड़ा सा मुझे रेस को गाड़ी को आगे करना है। चलो भाई लेट्स गो, रेडी है भाई, वैसे अगर मैं हार भी गया ना मेरा कोई नुकसान ही नहीं है भाई। 10 सेकंड में स्टार्ट होगा,
चलो भाई बाय बाय। बूस्टर देने की जरूरत है? दे देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ बाय बाय। अरे अरे बराबरी करने का ट्राई कर रहा था मैंने, वैसे देर से शिफ्ट अपग्रेड मतलब गियर शिफ्ट देर से करा। वेरी बैड, ज़्यादा कमाई तो नहीं हुई है बट थोड़े और चैलेंजर्स आ चुके हैं। मस्टैंग का $622 का रेस है। ठीक भाई, ऑडी का $329, कोई बात नहीं लगाते हैं रेस। $400-800 में ही गुजारा करना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा सीन है कि जैसे जैसे हम लोग रेस के विनर्स बनते जाएंगे, थोड़े अच्छे प्लेयर बनेंगे, वैसे ही रेस के जो चैलेंजेस है वो ज़्यादा प्राइस के आ जाएंगे। इस मस्टैंग में कौन सा टायर लगाया भाई? चलो भाई, गाड़ी मैंने ला के एकदम मस्त पार्क कर दिया। ले आ भाई, क्या सो रहे क्या, इतनी धीरे धीरे ला रहा गाड़ी। चलो भाई भगाने के लिए रेडी मैं, फुल गाड़ी। पहले थोड़ी सी भगाते हैं, एक गियर शिफ्ट और दूसरा, अब देंगे नाइट्रो, अब गायब कर देंगे भाई, सीन ही गायब। लेट्स गो। दो रेसेस में जीत चुका हूँ, एक और चैलेंजर आया अपनी स्कोडा लेके, $459 का रेस। यार मैं सुन, यार सुन, एक काम कर, जाके ना सो जा वरना गुस्सा चढ़ गया ना बहुत मारूंगा। सच में भाई, मैं जितने की रेस लगा रहा हूँ ना भाई, इतने का तो गाड़ी का फ्यूल उड़ रहा होगा अपनी। भगा के चलते हैं, इसे सोने चलते हैं, मैं कल आऊंगा। आज के लिए ना हमने बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, बट ऑफिस को पूरा अपग्रेड हम लोग बाद में करेंगे। $5,06,000 हो गए हैं। मुझे अभी एक दो गाड़ियां, वैसे अगर फरारी ये सब बेच दिया ना, मतलब फरारी तो नहीं बेचूंगा बट हाँ लैम्बोर्गिनी और जो बाकी गाड़ियां उन्हें बेच दी, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और एक मिनट, हेलो, मैं पागल हूँ क्या? ये मेरा पुराना घर है कंटेनर, यहाँ क्या करने आया हूँ मैं? सच में यार, गेम इतने दिनों बाद खेल रहा हूँ कि मैंने जो नया घर खरीदा था मुझे याद ही नहीं है कि मैं अपना ये क्या नाम है लॉन वुड यहाँ पे एक बहुत लग्जरी विला ऑन करता हूँ। सच में यार, दो दिन से बस से ट्रैवल भी तो कर रहे हैं, आज बड़े दिनों बाद अपनी फरारी वो भी पूरी कीचड़ में मली हुई, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना मिट्टी है। बट जो भी है, गाड़ी लेके पहुंच चुके अपने घर के बाहर। अड़ोसी पड़ोसी को आज पता चल जाएगा भाई क्या रिच बंदा है बेचारा, दो दिन से बस में ट्रैवल कर रहा था, आज सीधा फरारी लेकर आया। वॉश कर देता हूँ भाई बंदों को वरना लगेगा पता नहीं क्या कूड़ा कबाड़ है। लेट्स गो भाई, गाड़ी फुल क्लीन कर दी है, अभी चलते हैं सोने क्योंकि अपना टारगेट अब कुछ बड़ा है, हमें अपना ऑफिस मैक्स अपग्रेड करना है। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कार फॉर सेल का ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का गारंटी दे रहा हूँ सारा पैसा कमाएंगे, थोड़ी बहुत ड्रैग रेस अगर आज अच्छे से हो जाती तो पैसा आज ही कमा लेते, बट पता नहीं शहर के सारे अमीर लोग कहाँ चले गए जो दो दो ढाई ढाई लाख डॉलर का ड्रैग रेस करते थे अपनी छोटी सी एसयूवी लेके। मतलब बंदे मस्टैंग लेकर आ रहे हैं $500,000 का रेस करने, जबकि उसकी गाड़ी खुद ही $40,000 की है। पता नहीं वो लोग कहें, उनसे बहुत सही कमाई हो जाती थी बट हाँ अभी ड्रैग रेस बहुत सस्ती सस्ती हो रही है, $400-500 वाली, तो उससे मैं नहीं कमा सकता। मुझे अपने शोरूम बिजनेस पे ही फोकस करना पड़ेगा, जिसके लिए शोरूम एकदम बड़ा सा बनाना है, बहुत मस्त बनाना है, बहुत सारे एम्प्लॉय रखने हैं, जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जाओ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दो, इस वीडियो पर एम करते हैं 600,000 लाइक का। अगर आप चाहते हो ऐसे मस्त मस्त जल्दी जल्दी एपिसोड आए तो लाइक गोल कंप्लीट कर दिया करो यार। और चैनल पर जो लोग भी नहीं है फटाफट से जाओ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो फटाफट से, और अपना न्यू सॉन्ग लाइफ अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो जाके सुनो और कमेंट्स में बताना कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।